तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं हरिद्वार वापस फिर लौट के। नैनीताल में बारिश हो गई इसलिए हम लोग यहाँ वापस आ गए, और शिवा इसलिए ब्लॉक कर रहा है क्योंकि मेरे साथ के हाथ टूट गए। और एक बार चलते हुए शिवा आज लोगों को बहुत मजा आया, मैंने कैमरा दिया है और ये ब्लॉक करेगा पूरा यही। और आज हम लोग पूरा हरिद्वार घूमेंगे। और ये अपना 2G भाई पीछे आ रहा है, ये 2G भाई अपना है, देख लो इसको सब लोग। ये एंटरटेनमेंट करने वाला कोई लड़का ना हो तो बताओ ब्लॉग कैसे हिट जाएगा। और हम लोग जा रहे हैं चंडी देवी, और ये भाई हमारे यूट्यूबर भाई बैठे हुए हैं, रिक्शा चला जा रहे हैं और वहां जाके तब मिलते हैं हम लोग। ये हमारे हर्ष भाई ई रिक्शा चलाते हुए यही नौकरी कर रहे हैं हम अभी। बोलो 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 चंडी देवी से हरिद्वार, हरिद्वार और जल्दी प्रयागराज में ये ई रिक्शा खरीद के जरूर से जरूर चलाएंगे। ई रिक्शा ये जिंदाबाद। और ये हर्ष शिवा चौधरी से बोलना चाहेंगे। कुछ नहीं भाई, ड्राइवर खराब है, बहुत धीमे धीमे चला नहीं रहा यार। अच्छा देखो, अभी हम लोग उतर रहे हैं वहाँ से चंडी देवी दर्शन करके, और अंजनी का दर्शन हो गया है। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से सीधा नीचे, और बीच में हमें यहाँ दिखा छोला कुलचा तो वो भी खाएंगे यार, क्योंकि हम प्रयागराज में वो उतना नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे दिख गया तो खा लेते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन इस समय डाइट वेट भी कुछ फॉलो नहीं हो रही है, और एकदम दबा के खाए जा रहे हैं कुछ भी ऐसे हंड बंड, और बस नीचे खाते हैं उतर के आप लोग को दिखाते हैं। आगा यहाँ बंदर भाई, बंदर तो बहुत है यहाँ। बाकी अब नीचे उतर रहे हैं और आप लोग को वहीं मिलते हैं नीचे डायरेक्ट। अपना निकल रहे हैं यहाँ से और जा रहे हैं, अभी हम लोग खाना वाना खा लिए थे थोड़ा बहुत, वो आ गया तो फिर हम लोग गए थे होटल पे। अभी शिवा लोग स्टेशन पे बैठे हैं, वहाँ कुछ काम वाम था वो करते हैं, और होटल पे आप लोग को रूम पे आके मिलते हैं और सबसे बातें करते हैं, क्योंकि हम लोग का पूरी जो यात्रा थी वो पूरी सक्सेसफुल हो चुकी है, जो कि थी केदारनाथ, बद्रीनाथ और कैची धाम आश्रम, ये पूरी सक्सेसफुल हो चुकी है। और अभी हम लोग का पूरी यात्रा सक्सेसफुल हो गई है, बस हम लोग के पास ये 2 दिन घूमने के ही बचे हैं जो कि हमने एक्स्ट्रा लेके चले थे। तो अब देखते हैं, सबसे एक्सपीरियंस लेते हैं कि आपको कैसा लगा। 2 hours later लास्ट दिन और हरिद्वार में हम लोग चल रहे हैं स्नान के लिए फिर हर की बॉडी, और स्नान बहुत मस्त है, तो कोई सुबह उठ के नहाता नहीं है, सब 10-10 बजे उठते हैं और फिर सब नहाना, तो आज यहाँ पे सारा पाप धुल लेंगे 5-6 दिनों में जितने भी दिनों में। और स्नान के लिए फिर हम लोग जा रहे हैं, आज स्नान करते हैं, मजा आ जाता है यहाँ के पानी से। सबसे बड़ा पापी उसके बाद भी है, फिर वो सबसे बड़ा यही पापी है, सबसे बड़ा पापी यही, और मैं पापी नहीं हूँ भाई, मैं तो बस ऐसे ही नहाने के लिए मतलब करके पाप को बुलाता है, ये पाप आ जा, पाप को बुला लिया पर टाइम लगता है। हम लोग का स्नान यहाँ हो चुका है और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं हर की बॉडी के एकदम नीचे, और पीछे से आ रही है स्नान कर रहे हैं, बस हम लोग का ये लास्ट डे था यहाँ पे, और अब आज हम लोग का लास्ट कैसा लगा। बाकी एक बार बोलो
आज अपनी पूरी ट्रिप यहाँ खत्म हो चुकी है और आज हम लोग का आखिरी दिन है। अभी बस 2 घंटे में हमारी ट्रेन है यहाँ से, जो कि 3:05 पे यहाँ हरिद्वार स्टेशन से, और जस्ट स्टेशन हमारे आगे 20-25 कदम पे स्टेशन है। बस हम लोग यहाँ से 1 बजे निकल जाएंगे और अपने ड्राइवर भाई से सबसे मिल लेंगे जो यहाँ पे, जिनसे सबसे जान पहचान हुई है। तो बाकी अभी सब रेस्ट कर रहे हैं, कमरे की हालत भी एकदम बिगाड़ दी है। तो आज आखिरी दिन है आज की, यहाँ पे सारी अपनी ट्रिप खत्म हो रही है और ये शिवा निकल रहा है बाथरूम से कुछ करते हुए, बात करते हुए, अपना कुछ भी कर रहा था अंदर। और बाकी अपने यहाँ पे ट्रिप सब खत्म हो चुका है, अब सब पैकिंग वैकिंग सब डन हो गई है यहाँ पे सबकी, और सब अभी आराम कर रहे हैं। और बस हम आप लोग 1 बजे निकलेंगे और सीधा कल आप लोग को मिलते हैं इलाहाबाद पे, और सबसे फिर सी ऑफ करके अपने अपने घर निकलते हैं। तो गाइस ये ट्रिप यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं आप सब नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।